फ्रेंड्स, ज्योग्राफी स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जो है पढ़ चुके हैं 1 से लेकर 7 चैप्टर तक के हाई स्कूल के सारे फिजिक्स के नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं और वीडियो आप लोगों की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और आज आप लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल का साइंस का चैप्टर नंबर 8, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसके बारे में आज हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे और पूरा चैप्टर आपका एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके आल के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। आल के ऑप्शन पे क्लिक करने से आप लोगों को हमारे वीडियो जो भी मिलेगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी और हमारे सारे वीडियो का आप लोग आनंद सहित पढ़ाई कर सकेंगे, क्योंकि चैनल का नाम ही आप लोगों का जॉयफुल स्टडी है। तो यहाँ पे आप लोग जॉयफुल होकर पढ़ाई कीजिए। आगे आप लोगों का जब हम चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे, वो चैप्टर का नाम है आप लोग का वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जब धारा तभी बहेगी जब उसमें ऊर्जा होगी। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा पता होनी चाहिए कि वैद्युत ऊर्जा होता क्या है। वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव शुरू करते हैं हम। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो का आनंद लीजिएगा। सबसे पहली जो इसमें आपकी हेडिंग आती है वो आती है वैद्युत धारा ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। शुरू करते हैं। वैद्युत ऊर्जा या फिर इसका दूसरा नाम आप लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये इसका सेकंड नेम हो गया। इसके आप लोग को आज बारे में जानना है। तो ये जो आप लोगों की वैद्युत ऊर्जा होती है वो आप लोगों की होती है चालक पर निर्भर। ये मान लीजिए आप लोग का एक चालक बना हुआ है, इसमें आवेश में प्रवाहित किया जाता है। इसमें जो कोई भी चालक होता है उसमें हम लोग आवेश प्रवाहित करते हैं। आवेश आप लोग का होता है क्यों? जब इसमें आवेश प्रवाहित करते हैं तो आवेश प्रवाहित करने में जितना ऊर्जा की हम लोग व्यय करते हैं, जितनी ऊर्जा को हम लोग खत्म करते हैं उसी ऊर्जा को कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। जितनी भी ऊर्जा हम लोग खत्म करेंगे उसी ऊर्जा को हम लोग वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कि परिभाषा आप लोगों की बनेगी, किसी चालक में वैद्युत आवेश में प्रवाहित होने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसी ऊर्जा को हम लोग वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसके आप लोगों के फार्मूले जो होते हैं वो बहुत ही प्रकार के होते हैं, यानी कि आप लोग के ये फार्मूले अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं और अलग अलग उसके पार्ट हो सकते हैं। देखिए कैसे होते हैं। पहले इसकी जो परिभाषा है आप लोगों की वो विभवांतर के परिभाषा के अनुसार भी आप लोग इसकी परिभाषा बना सकते हैं। वो देखिए कैसे बनती है। ये तो आप लोगों ने परिभाषा इसकी देख ली। एक और इसकी जो परिभाषा बनेगी वो कैसे बनेगी विभवांतर की परिभाषा के अनुसार। एक कूलाम आवेश होता है, एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश में 1 वोल्ट विभवांतर पर किसी चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य। यानी कि किसी आवेश को, कोई भी आवेश आप लोग को दे रखा है, उसमें एक कूलाम आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर पर किसी भी चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे पर ले जाने में किया गया जो ऊर्जा व्यय होती है या किया गया कार्य उसे ऊर्जा कहते हैं W। तो W बराबर आप लोग का इसमें सूत्र क्या हो जाएगा, आवेश होता है क्यों और विभवांतर या वो होता है वोल्ट। तो आप लोग का फार्मूला इसमें बन जाएगा V इंटू क्यू। ये आप लोग का हो जाएगा जूल में, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो सारे परिभाषा हम लोग ऐसे बताते जाते हैं और इसके जितने भी आप लोग के फार्मूले बनेंगे वो एक तरफ लिखते जाते हैं। तो सबसे पहला इसका फार्मूला क्या बनेगा, नंबर 1 पे W बराबर V इंटू क्यू बन गया। उसके बाद में आप लोगों को पता है क्यू बराबर IT होता है। ये नंबर यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। W बराबर V मल्टीप्लाई क्यू बराबर हम लोग को पता है IT होता है।
तो इसका फार्मूला एक दूसरा बनेगा, W बराबर वी आई टी। नंबर टू पे आप लोग लिख सकते हैं W बराबर वी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी, ये हो गया। आप लोगों को एक और पता है वी बराबर आई आर होता है, तो इसमें हम वी की जगह पे आई आर लिख सकते हैं, आई आर और यहाँ पे आई टी, यहाँ पे दो बार आई हो गया, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे आई स्क्वायर आर टी। एक फार्मूला आप लोग का ये बनेगा। नंबर थ्री पे W बराबर क्या बनेगा, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी हो गया। अब यहाँ पे हम आई की जगह पे क्या लिखते हैं, वी अपान आर होता है, तो आई स्क्वायर की जगह पे वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर लिखेंगे, तो क्या होगा, वी स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे आर आपका दिया हुआ है, टी है, एक आर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोग का बचेगा W बराबर वी स्क्वायर टी अपान में आर। ये आप लोग का इसका फार्मूला बन जाएगा। ये जितने भी आप लोग के दे रखे हैं ऊर्जा, उन सब का मात्रक आपका एक ही रहेगा, वो होगा जूल। ये आप लोगों के इस तरह से इसकी वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा, दो परिभाषा बनती हैं, और ये आप लोगों के इसके फार्मूले बन जाते हैं। पहला जो आप लोगों का फार्मूला है वो है आपका वोल्ट और आवेश के रूप में, दूसरा आप लोग का जो फार्मूला है वो है आपका वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा धारा के पदों में, तीसरा फार्मूला आपका वैद्युत धारा प्रतिरोध तथा समय के पदों में है, और चौथा जो फार्मूला आपका वो है वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। ये आप लोग के इसके फार्मूले चार बनते हैं। तो यहीं पे आप लोगों के ये जो वैद्युत ऊर्जा होती है, इतना ही आप लोग के वैद्युत ऊर्जा में होता है, और क्वेश्चन आपके जितने भी बनते हैं वैद्युत ऊर्जा से संबंधित, वो या तो इसमें इस फार्मूले से बना देंगे, या फिर इससे, या फिर इससे, या फिर इससे, यानी कि चार फार्मूले दे रखे होते हैं आपके, चारों फार्मूले से मैं किसी से भी आवा वैद्युत ऊर्जा के क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे इसमें आप लोगों की नेक्स्ट जो परिभाषा आती है वो आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा जो है आप लोगों को हम पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं क्या होती है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों की फिर से इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा आती है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, बार बार पढ़ेंगे तो आप लोगों की भी और अच्छे से याद हो जाएगी। परिभाषा आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमने पहले बताया था, तब भी आप लोग को बताया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है आप लोग का, वो होता है किसी भी कार्य तथा ऊर्जा का छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक आप लोग का इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लोग के पहले जो चैप्टर चल रहा है उसमें आप लोग को एक चालक होना चाहिए, ये चालक आपका बन गया, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे पर ले जाने में किया गया कार्य उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, यानी ये यहाँ पर से यहाँ तक इसको ले जाओगे तब आप लोग का जितना भी कार्य होगा या जितनी भी ऊर्जा रहेगी उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। ये आप लोगों की परिभाषा होती है। दूसरी अगर परिभाषा आप विभवांतर के पदों में जानना चाहते हैं, तो विभवांतर के पदों में इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है, यदि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, या आप लोगों के दो बिंदु होते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर, विभवांतर जो इन दोनों बीचों होगा वो अगर वी है, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से, ये इलेक्ट्रॉन को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में जो भी आप लोगों को कार्य करना पड़ेगा वही कार्य आप लोग का इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आप लोग का होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम जूल के बराबर। यह आप लोग का होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। यानी सबसे पहले आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, उसके फार्मूले क्या होते हैं, और आगे आप लोग का आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। अब आप लोग का आता है इसमें जो आप लोग का चैप्टर का नेम है, चैप्टर का नेम क्या है, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यानी हीटिंग। इसके बारे में देखिए क्या होता है, अगली हेडिंग आप लोग की इसमें आएगी वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जितनी भी आप लोग के मेन मेन टॉपिक हैं पूरे हम डिटेल में ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव,
यानी वैद्युत धारा जो होती है उसमें ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको जानने के लिए मान लीजिए सबसे पहले आप लोग का एक तार बना हुआ है, यदि किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह गर्म हो जाता है, इसे ही वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। हम कोई भी चीज़ हो अगर उसको ज़्यादा देर तक हम लोग यूज़ करते रहते हैं तो वो ऑटोमेटिक गर्म हो जाती है। जैसे पंप ही मान लीजिए आप लोगों की, जिससे साइकिल में हवा भरते हैं आप लोग, उसको ज़्यादा देर तक अगर हम मोटरसाइकिल में हवा भरने लग जाए उसी से, तो आप लोगों की वो गर्म हो जाती है। उसी को हम लोग कहते हैं ऊष्मा का प्रभाव, यानी कि कोई भी ज़्यादा देर तक किसी चीज़ से काम लिया जाता है तो उसमें ऊष्मा का प्रभाव हो जाता है और वो गर्म हो जाती है। इसी को हम कहते हैं वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। जैसे कोई भी तार होता है उसमें ज़्यादा देर तक आप लोग ऊष्मा प्रवाहित करते रहेंगे तो वो अधिक हीट हो जाएगा और वो गर्म हो जाएगा, इसी को वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। आगे आप लोग के आते हैं इसमें फार्मूले। तो देखिए आप लोग के इसके फार्मूले किस तरह से बनते हैं। इसके जो फार्मूले होते हैं वो आप लोग के कार्य पर ही या जूल वो जो ऊर्जा होती है उस पर ही आधारित होते हैं। जैसे हम लोग जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा ही ऊष्मा का रूप में उत्पन्न होती है, तो उस ऊर्जा को हम लोग पहले कैलोरी में चेंज कर लेते हैं। कैलोरी से अगर हम कार्य वो ऊर्जा को भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आप लोगों की उसमें प्रभाव का फार्मूला बन जाता है। तो इसमें पहले सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए एक कैलोरी बराबर कितनी ऊष्मा होती है। एक कैलोरी जो होता है वो आप लोग के होता है 4.2 जूल के, 4.2 जूल के बराबर होता है। तो आप लोग को फार्मूले निकालने हैं हीट के, एच के फार्मूले कैसे होंगे। आप लोगों के कार्य ऊर्जा के कितने फार्मूले निकले थे, चार, तो इसके भी आप लोग के निकलेंगे चार फार्मूले। थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। जैसे यहाँ पे आप लोग का नंबर 1 आ गया, यहाँ पे आपका आ गया नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार फार्मूले आपके बनेंगे। इसकी आप लोग की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोगों ने W के फार्मूले पढ़ लिए थे, यानी ऊर्जा के फार्मूले पढ़ लिए थे। ऊर्जा का सबसे पहला फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा था, W बराबर V इंटू क्यू, और H बराबर आप लोग का क्या होता, क्या है H बराबर आप लोग का होता है W अपान 4.2, ये आप लोग का फार्मूला होता है इसका। लेकिन इसका मान किसमें आप लोग का हीट का आता है, कैलोरी में। इसका मान जो आप लोग का आएगा वो आएगा कैलोरी में। पहला फार्मूला आप लोगों ने जो W का पढ़ा था वो था V इंटू क्यू, तो इसमें आप लोग का फार्मूला क्या बनेगा, V इंटू क्यू अपान में 4.2। दूसरा आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था VIT, पता तो है कैसे निकला था, तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा VIT अपान में 4.2। तीसरा फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था वी स्क्वायर अपान टी इंटू में था आप लोग का आर। अब आर यहाँ पे है आप लोग का, मल्टीप्लाई भी आपको 4.2 से ही करनी है। अगला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूले थे आप लोग के, अपान में आप लोग का रहेगा 4.2। मात्रक सबका वही रहेगा कैलोरी, कैलोरीज का मात्रक होता है। ऊर्जा का क्या मात्रक था, जूल। आगे इसमें फार्मूले देखिए कौन से आते हैं। आगे जो इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति की। वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है आप लोग का ये। एक फार्मूला याद करना है, एक से सारे फार्मूले निकलने हैं, आप लोग देख सकते हैं। सबसे इजी वे आप लोग को ये याद करने का, वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति, वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए। वैद्युत सामर्थ्य जो आप लोग का होता है वो होता है वैद्युत प्रवाह में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, यानी कि 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, यानी कि वैद्युत परिपथ आप लोगों को कोई परिपथ बना होगा जिसमें वैद्युत धारा बहेगी, वैद्युत धारा बहने से वैद्युत ऊर्जा का व्यय होगा, तो 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा व्यय होगी उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत सामर्थ्य।
यानी सामर्थ्य जो आप लोग का होता है वो होता है ऊर्जा और समय का अनुपात, ये आप लोग का होता है वैद्युत सामर्थ्य। सामर्थ्य जो होता है उसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऊर्जा, डब्लू समय, टी, बहुत सिंपल परिभाषा है। आगे आप लोग के जो फार्मूले बनेंगे वो भी इसी से बनेंगे, बहुत इजी तरीके से देखिए कैसे बन जाते हैं। पी बराबर डब्लू पॉइंट टी से, डब्ल्यू से आप लोग को पता चल रहा होगा कि इसके कितने फार्मूले बनेंगे, चार फार्मूले बनेंगे, वही आपके एच से बने थे वही आपके इससे भी बनेंगे। पी बराबर आप लोग का फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू अपान में टी, नंबर वन फार्मूला, नंबर टू फार्मूला, नंबर थ्री फार्मूला एंड नंबर फोर फार्मूला। सबसे पहला पी बराबर डब्ल्यू का मान क्या होता है, वी इंटू क्यू, तो यहाँ पे वी इंटू क्यू लिखेंगे, अपान में आप लोग का टी रहेगा। दूसरा फार्मूला पी बराबर आप लोग का होता है वी आई टी, डब्ल्यू का मान वी आई टी, अपान में होगा टी, टी और टी हो गए कैंसिल, पी बराबर वी आई। अगला जो फार्मूला होता है वो आप लोग का होता है पी बराबर वी स्क्वायर टी अपान में आर, वी स्क्वायर टी अपान में आर, मल्टीप्लाई में अपान में टी होगा, टी और टी कैंसिल होंगे, आप लोग का फार्मूला बनेगा वी स्क्वायर अपान में आर। नेक्स्ट जो लास्ट फार्मूला होता है वो आपका होता है पी बराबर आई स्क्वायर आर टी अपान में टी, टी और टी यहाँ पर भी आप लोग कैंसिल होंगे, आपका फार्मूला बनेगा आई स्क्वायर आर। और इसका जो मात्रक आप लोग का होता है वो होता है जूल पर सेकंड, या फिर आप लोग कह सकते हैं वाट, या तो आप कहेंगे जूल पर सेकंड या फिर आप लोगों को कहना पड़ेगा वाट, ये आप लोग का मात्रक होता है। इसके कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं वो देख लीजिए किस तरह से होते हैं, अन्य मात्रक इसके और जो होते हैं वो मात्रक होते हैं इसके बड़े मात्रक, ये तो आप लोग का होता है छोटा इसके मात्रक। बड़े मात्रक होते हैं वो आपके होते हैं, एक पहले सबसे पहला आता है वो होता है 1 किलोवाट, दूसरा जो मात्रक होता है वो होता है 1 मेगावाट, 1 मेगावाट, और लास्ट जो इसका मात्रक होता है वो होता है 1 अश्व शक्ति, ये इसके बड़े मात्रक होते हैं। 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होते हैं आप लोग के, वो होते हैं 1 किलो, किलो में आप लोग के होते हैं 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 वाट हो जाएंगे। मेगावाट जो होता है उसमें आप लोग के होते हैं 1 बराबर 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 वाट हो जाएंगे। और अश्वशक्ति जो होता है वो आप लोग का होता है 746 वाट के, 746 वाट के, ये आप लोग को बड़े मात्रक जो होते हैं इसके वो ये होते हैं। आगे इसमें जो परिभाषा आती है वो आती है वैद्युत ऊर्जा की माप, वैद्युत ऊर्जा को मापा कैसे जाता है। देखिए वैद्युत ऊर्जा की माप, वैद्युत ऊर्जा की जो माप होती है वो होती है 1 किलोवाट घंटा तथा 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 1 घंटे में व्यय होती है। अगर 1 सेकंड में आप लोग निकालना चाहते हैं तो 1 सेकंड में निकाली जाती है, 1 मिनट में चाहते हैं तो 1 मिनट में निकाली जा सकती है, इसी को हम लोग वैद्युत ऊर्जा की माप कहते हैं। यानी कि 1 किलोवाट घंटा 1 घंटे में जितनी आप लोगों की वैद्युत ऊर्जा समाप्त होती है, 1 सेकंड में जितनी होती है उसको 1 वाट पर सेकंड कह देते हैं। इस तरह से आप लोगों की इसकी परिभाषाएं बनती हैं। आगे 1 किलोवाट घंटा का मतलब कितना होता है, यानी कि इसमें आप लोगों के कितने जूल ऊर्जा व्यय होती है वो देख लीजिए, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध क्या होता है, तो देखिए किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध क्या होता है,
ये जो आप लोगों का संबंध आता है इसमें वो आता है एक किलोवाट और एक घंटे की आपस में गुणा कर दी जाती है। देखिए जैसे 1 किलोवाट में आप लोग की 10 की पावर 3 वाट होते हैं, तो 10 की पावर 3 लिख देंगे। 1 घंटे में आप लोग के सेकंड कितने होते हैं, 60 गुणे 60, 3600 सेकंड होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे 3600 गुणे 1000। इसको जब हम यहाँ पर से हटाएंगे, 3 अंकों के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो आप लोगों के 3 0 और बढ़ जाएंगे, यानी कि 3.6 मल्टीप्लाई 3 1000 गुणे 1000, इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। ये आप लोगों की जूल बेस की वैल्यू हो जाती है। आगे इसमें आप लोग के आते हैं आंकिक प्रश्न किस तरह से लगाए जाते हैं, और इसमें आप लोग के आते हैं वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत स्थिति और ये सब जो आप लोगों के आते हैं वायरिंग की समान युक्तियाँ, तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त करनी है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जितनी आपके मेन थ्योरी और इसमें फार्मूले थे वो आप लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। आगे आप लोगों की आती है बल्ब की रचना कैसे होती है, हीटर कैसे होता है, वैद्युत स्थिति प्रेस क्या होती है और इसकी सामान्य युक्तियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में आप लोग को जानना है, और इसके खतरे और सुरक्षाएं जानने हैं। वैद्युत के क्या खतरे होते हैं, क्या सुरक्षा होती है, और इसके आप लोगों के लास्ट में आते हैं आंकिक प्रश्न, उसको बारे में आप लोग को जानना बच जाता है। अगर हम लोग इसी वीडियो में आप लोगों को ये बताते हैं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी और आप लोगों को पढ़ने में अच्छा भी नहीं लगेगा। इसीलिए आप लोग थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जितने भी फार्मूले आपको बताए गए वो फार्मूले याद कीजिए, तथा साथ ही जो आप लोगों को हमने किलो वाट घंटा तथा जूल में संबंध बताया इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए। जितने भी फार्मूले हैं एक बार अपने आप निकाल करके देखिए आप लोग निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। अगर नहीं निकाल पाते हैं तो कमेंट में आप लोग एक बार ये पूछ सकते हैं कि किस तरह से इसको फिर से किया जा सकता है। नहीं समझ में आएगा आप लोग 1000 बार पूछिए, 1000 बार आप लोगों को ये समझाया जाएगा। नहीं आप लोगों को फिर भी समझ में आया तो इंस्टाग्राम पे आप लोग को फॉलो करके वहां पे आपने जो भी आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट से हो हमारे आपके सारे डाउट्स को वहीं पर क्लियर कर देंगे। इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को, टेलीग्राम की आईडी और फेसबुक की आईडी सारी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आप लोग अगर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश बोलने के लिए आप लोगों के इंग्लिश के टेंस से रिलेटेड हमने 4 वीडियो बना रखे हैं, वो आप लोग 4 वीडियो जा करके यूट्यूब में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर नहीं आप लोगों को मिल रहे हैं वो वीडियो तो आप लोगों को उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके अलग के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स।